हेलो दोस्तों, मैं दीपिका आप सबका मैकेनिकल स्टडी की तरफ से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन कवर करेंगे साउंड के रिगार्डिंग। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फॉर ए साउंड वेव द एम्पलीट्यूड इज़। यहाँ पर हमें एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन पूछी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव क्रेस्ट। यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है वो है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन जो दो लगातार क्रेस्ट यानी कि शीर्ष के बीच की जो डिस्टेंस है वो, या फिर सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव ट्रफ्स यानी कि गर्त, यानी कि दो लगातार आने वाले गर्त के बीच की दूरी। सी ऑप्शन है द हाइट डिफरेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ए ट्रफ, शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी। ऑप्शन डी, वन हाफ ऑफ द हाइट डिफरेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ए ट्रफ। डी ऑप्शन में बोला गया है जो कि शीर्ष और गर्त है उन दोनों के बीच की दूरी का हाफ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ये हाफ होता है। किसके बीच की डिस्टेंस क्या, क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस का हाफ होगा क्या, एप्लीट्यूड यानी कि आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिता यूजेस ए ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज टू प्रोड्यूस साउंड इन द साइंस लेबोरेटरी ऑफ हर स्कूल। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द लेबोरेटरी इज 344 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव क्रेस्ट ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड इज। यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है, क्वेश्चन से समझना है, टू कंसिक्यूटिव क्रेस्ट ऑफ साउंड वेव। अगर एग्जाम में टू कंसिक्यूटिव क्रेस्ट बोल दे या फिर टू कंसिक्यूटिव ट्रफ बोल दे, दोनों का मतलब क्या है कि बीच की डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब वो आपसे वहां पर पूछ रहा है वेव लेंथ। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है। हमारे जो अपना लेक्चर था थ्योरी वाला, वहाँ आपने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी है वो इक्वल्स टू होती है फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ। हमने पढ़ा था वेलोसिटी इक्वल्स टू होती है फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ। तो हमें वेलोसिटी गिवन है 344 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी यानी 512 इनटू वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। कैलकुलेट करना है लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो 344 को अपन डिवाइड कर देंगे 512 से, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.67 मीटर। जब हम 344 को डिवाइड करेंगे 512 से तो आंसर आएगा 0.67 मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साउंड एंड लाइट वेव इज करेक्ट। हमने जब थ्योरी पोर्शन शुरुआत की थी साउंड वाला, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो साउंड वेव है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स अनुदैर्ध्य, और जो लाइट वेव है वो ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले ही पता है यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि साउंड वेव है लॉन्गिट्यूडनल और लाइट वेव है ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। आपको साउंड की जो स्पीड है एयर में वो याद रखनी है, जो इक्वल्स टू होती है कितनी, 332 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्स होती है 332 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेटेड ऑप्शन है जो एकदम पास में है वो है 330 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में जो 332 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उसके सबसे करीब ऑप्शन है 330 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी ऑफ ए हेल्दी पर्सन विद परफेक्ट हियरिंग इज। इसमें हमें हमारी जो सुनने की रेंज है, ऑडिबल रेंज है, उसकी बात की गई है। तो जो ऑडिबल रेंज होती है साउंड की, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिबल वेव्स। ठीक है, उस ऑडिबल वेव की रेंज है 20 to 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन सी 20 to 20,000 हर्ट्ज। अगर साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बिलो है तो उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स, यानी कि अवश्रव्य तरंगे। जबकि 20,000 हर्ट्ज है उससे अबव की जो वेव्स हैं उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, परास्रव्य तरंगे। बिलो को बोलेंगे इंफ्रासोनिक, और 20,000 से अबव को बोलेंगे अल्ट्रासोनिक, और जो 20 से 20,000 वाली है उनको बोलेंगे ऑडिबल वेव्स। तो क्वेश्चन में ऑडिबल वेव्स की ही रेंज पूछी गई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साउंड वेव पासेज ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन
At this point, the time interval between two successive crests is 0.02 seconds. Which of the following statement about the wave is correct? जब दो लगातार क्रेस्ट या ट्रफ सिर्स या गर्त की बात की जाए तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है वेवलेंथ। उन दोनों के बीच में लगने वाला जो टाइम होता है वो कहलाता है टाइम पीरियड, आवर्तकाल। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल या फिर टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड दे रखा है दो सक्सेसिव क्रेस्ट यानी कि दो लगातार आने वाले सिर्स के मध्य का हमें टाइम दे रखा है, क्या है, 0.02 सेकंड। तो यहाँ ऑप्शंस को हम देखें तो ऑप्शंस में वेवलेंथ दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, वेवलेंथ अगर फाइंड आउट करने तो हमें वेलोसिटी चाहिएगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी चाहिएगी। हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं डायरेक्ट पहले, क्योंकि हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, यानी कि 1/0.02। पॉइंट हटाओ, ऊपर आएगा 100, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50। तो डायरेक्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ से क्या आ रही है, 50 हर्ट्ज, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ से 1/0.02 करेंगे तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, 50 हर्ट्ज। तो ऑप्शन डी बता रहा है द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोर्स प्रोड्यूसेस साउंड वेव अंडर वाटर, वेव्स ट्रेवल थ्रू वाटर एंड सम ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड इनटू एयर। ठीक है, कोई साउंड वेव है जो वाटर में ट्रेवल कर रही है और उसका कुछ पार्ट अब एयर में जाता है, कहाँ से, वाटर से एयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रीक्वेंसी एफ एंड वेवलेंथ लैम्डा इज करेक्ट एज साउंड पासिस फ्रॉम वाटर टू एयर। एक पॉइंट जो हमेशा याद रखना है, फ्रीक्वेंसी पर मीडियम के चेंज होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे साउंड वेव वाटर में ट्रेवल करो, चाहे साउंड वेव एयर में ट्रेवल करो, चाहे साउंड वेव किसी भी सॉलिड में मूव करेगी तो भी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी, हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं, तो यानी ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कोई करेक्ट होगा। अब हमें लैम्डा को चेक करना है, तो जो साउंड वेव है वो कहाँ पास हो रही है, वाटर से एयर में जा रही है। ठीक है, हमें पता है जो साउंड वेव की स्पीड होती है वो कहाँ ज़्यादा होती है, वाटर में या एयर में, वो वाटर में ज़्यादा होती है। ठीक है, एयर में कम होती है, क्योंकि एयर में वो लगभग होती है 332 मीटर पर सेकेंड, और वहीं वाटर में उसकी स्पीड होती है 1493 मीटर पर सेकेंड के अप्रोक्स। ठीक है, इसका मतलब लैम्डा क्या बताता है, लैम्डा बताता है डिस्टेंस, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। जैसे हमें फॉर्मूला भी पता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ। ठीक है, तो वाटर से एयर पे जाने पर अगर हमारी स्पीड रिड्यूस हुई है तो डेफिनेटली वहाँ पर हमारी वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ लैम्डा। तो यहाँ ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रीक्वेंसी पे, जबकि लैम्डा यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि वाटर से एयर पे जाने पे अपनी स्पीड हो रही है डिक्रीज। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट्स। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कुछ साउंड की, लाउडनेस, इंटेंसिटी, पिच। तो जो लाउडनेस और सॉफ्टनेस है साउंड की वो बेसिकली डिटरमाइंड होती है किसके द्वारा, एप्लीट्यूड के द्वारा। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि लाउडनेस और सॉफ्टनेस जो होती है उसको बेसिकली अपन जो डिटरमाइन करते हैं कि वो लाउड है या सॉफ्ट है साउंड, वो उसके एप्लीट्यूड से फाइंड आउट करते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए, एप्लीट्यूड। इन ए लॉन्गिट्यूडिनल साउंड वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव। हमने दो टाइप की वेव्स पढ़ी थी जब हमने पढ़ा था मैकेनिकल वेव्स, तो उसमें एक तो थी ट्रांसवर्स वेव, एक थी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो अपने मूवमेंट की डायरेक्शन के पैरेलल ही उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं अब कौन सा करेक्ट होगा। अबाउट देयर पोजिशन ऑफ रेस्ट इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, अबाउट देयर पोजिशन ऑफ ए रेस्ट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर सी और डी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ ऑप्शन होगा ए और बी में से कोई सा। यहाँ पे ए में दे रखा है अबाउट देयर पोजिशन, मीडियम मूव्स अबाउट देयर पोजिशन ऑफ रेस्ट इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो यही है कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा,
कि माध्यम में जो तरंग की गति है, जो एक प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस है, यानी तरंग का जो गति है वो माध्यम के कणों के जो कंपन करने की दिशा होगी उसके समांतर ही मूव करेगी। ठीक है, जो साउंड वेव है वो पार्टिकल्स जो है मीडियम के उसके डिस्टर्बेंस के पैरेलल ही मूव करेगी, जो कंपन कर रहे हैं वो उसके समांतर ही होगी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, थ्री टर्निंग फोर्क ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस साउंड इन ए साइंस लेबोरेटरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए, फर्स्ट थिंग जो याद रखनी है कि जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू होती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, तो दोनों में रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय द टर्निंग फोर्क ऑफ हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इज स्मॉलेस्ट। इसमें कहा गया है कि जो वेवलेंथ प्रोड्यूस की जाएगी इन तीनों में से किसी एक फोर्क के द्वारा वो उसके लिए मैक्सिमम होगी जिसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, स्मॉलेस्ट, या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले के लिए उसकी वेवलेंथ होगी स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए सही बोल रहा है, जबकि बी में ये कहा गया है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले की वेवलेंथ भी हाईएस्ट होगी, नहीं नहीं होगी, क्योंकि वो एक दोनों के रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बी सही है। सी में दे रखा है द वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय द थ्री टर्निंग फोर्क्स आर डिफरेंट। ठीक है, ऑप्शन डी द पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय द टाइमिंग ऑफ फोर्क लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट, ये भी सही नहीं है। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि जिसकी वेवलेंथ, सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें बोला गया है कि हाईएस्ट वेवलेंथ की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का फोर्क है उसकी वेवलेंथ स्मॉलेस्ट होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए साउंड वेव ट्रेवल्स इन ए मीडियम इट क्रिएट्स, तो इसका ऑप्शन होगा जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन अल्टरनेटिवली। क्योंकि जो साउंड वेव मूव करती हैं वो हमेशा मूव करती है कैसे, कंप्रेशन और रेरिफेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पेट्स कैन फ्लाई ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज दे प्रोड्यूस डायरेक्ट, इसका आंसर है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव से ही उनको पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसको ट्रांसमिट करते हैं, तो वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के अगर वापस आ रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है आगे तो वो उसे टकरा के वापस उनकी तरफ आ जाएगी, जिससे उनको पता लग जाता है कि उस डायरेक्शन में उन्हें मूव नहीं करना है क्योंकि वहां पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, अल्ट्रासोनिक वेव। इन ए ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव, अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए पढ़ा था, अब ट्रांसवर्स वेव का है, तो ट्रांसवर्स वेव में वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दोनों के लिए ऑप्शन भी सेम है, बस लॉन्गिट्यूडनल के लिए क्या पैरेलल ध्यान रखना है और जो ट्रांसवर्स वेव है उसके लिए परपेंडिकुलर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिच ऑफ ए साउंड इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय इट्स, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो लाउडनेस और सॉफ्टनेस है वो डिपेंड करती है एप्टीट्यूड पे, जबकि जो पिच ऑफ साउंड है वो हमें याद रखना है डिपेंड करेगी फ्रिक्वेंसी पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, साउंड वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसे काफी क्वेश्चन फ्रेम किए गए, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं इससे। तो ये जो प्रीवियस ईयर्स में पिछले 2014-15 में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिए, यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं हम लोगों ने। थैंक यू।